हाट तेरी ऐसी तैसी क्या हाट तेरी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। आज 6 मई सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं निकल रहा हूँ RTO ऑफिस के लिए। तो RTO ऑफिस में मुझे अपने 4-व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। तो चलो इसी बहाने आपको अपने प्रयागराज के RTO ऑफिस घुमाते हैं, जो कि पड़ता है ट्रांसपोर्ट नगर प्रीतम नगर के आगे। प्रीतम नगर तो मेरा ननिहाल है, आप लोग जानते ही हो। तो चलो घुमाते हैं और इसी बहाने आपको दिखाता हूँ RTO ऑफिस की, वहाँ पे कैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है और कैसा है वहाँ का माहौल। और वहीं रास्ते में पड़ता है मोहब्बत की शरबत, जो कि अब बिग बाजार के सामने लगाने लगा है, तो उसे कवर करने की भी पूरी कोशिश रहेगी। घुमक्कड़ प्रयागी यूट्यूब चैनल। ये हमारे सब्जी वाले भैया, क्या नाम है तुम्हारा? तुषार। तुषार भाई आते हैं सब्जी, इनसे लिया करो। अल्लाहपुर के एरिया में बेचते हैं क्या? यस। और मम्मी क्या बना रही हो? मटर उबाले हैं। मटर उबाली हो मतलब छोला बन रहा है? नहीं, चाट बनाए। हाय चाट। और खाने पीने का क्या सीन है? खाना शाम को बनेगा। तुम्हारा रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, कल वीडियो आएगा उसमें तुम आ गए हो। ठीक, तो हमारे गेट के सामने रख दिया भोलेनाथ का। हाँ, तो कैसे नहीं दी। कौन सा ये है प्रजाति? जे कोबरा बाबू जी। कोबरा है। एक बार जरा वाला धुन बजा दीजिए, कोबरा वाला। कोबरा वाला। हाँ, और लास्ट में जो आप करते हैं ना, ऐसे क्यों एंड करते हैं? नॉर्मली एंड करिए। बाकी तो इन लोग सुन पाते नहीं है, वो देख कर ही उन लोग रिस्पॉन्स करते हैं ना। ये जो कहावत है कि जो है नागिन धुन पे नाचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मतलब एक भ्रांति हो गई। अब वैसे कहाँ से आप लोग आते हैं? शंकरगढ़ से। ये है प्रयागराज का फेमस हाथी पार्क, जिसको सुमित्रा नंदन पार्क कहते हैं। यहाँ पे भैया हाथी सूंड से बचपन से होके निकलते थे, याद है कि नहीं? कौन कौन निकला हाथी सूंड से होके कमेंट्स में बताना। और इसी के जस्ट आगे है सेंट मैरीज कॉन्वेंट। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स यहाँ से पढ़े हो या पढ़ रहे हो, कमेंट्स में बताना। चलो आप लोग के स्कूल को भी दिखाते चलते हैं यार, रास्ते में थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया फीलिंग करवाते हैं। पूरा इलाहाबाद इसी बहाने घुमा देंगे। RTO ऑफिस जाने का मतलब है ट्रांसपोर्ट नगर की, पूरा सिविल लाइन्स होते हुए हाई कोर्ट विकोर्ट घुमाते हुए तुम लोग को जो है फिर वहाँ पहुँचाएंगे ना, तो थोड़ा घूमते भी रहो हमारे साथ। अरे या तो खड़े ही हो जाते या तो निकल ही जाते। वहाँ रेड लाइट पे खड़े होकर रुकने का क्या मतलब है भाई? कोई आके चालान काट देगा। ये तो भैया यहाँ पे हर 200-200 मीटर पे जो है लाल बत्ती मिल जाती ना, एकदम क्या बताएं, मतलब आपको इस कोने से उस कोने पहुँचने में आधे घंटे लग जाएं, इतना मतलब लाल बत्ती। एक तो 100 सेकंड का भाई होता है लाल बत्ती और 30 सेकंड का होता है हरी बत्ती। तो फिलहाल तनिष्क के पास में बुलाया था सत्यम भाई ने, हमारे जो मित्र हैं उनका नाम सत्यम है। तो चलो उन्हें कॉल करते हैं और फिर यहाँ से RTO के लिए रवाना होते हैं। तो ये हमारे सत्यम भाई हैं, जिनके माध्यम से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जल्दी बन रहा है। और बहुत जल्दी का मतलब है कि 4 साल बाद हमारा बन रहा है। 4 साल पहले अप्लाई करे थे, अभी बन रहा है। खैर हमारी भी जो है इसमें कमी थी, हम भी थोड़ा सा एक्टिव नहीं थे। और चलो देर आए दुरुस्त आए, बन जाएगा। और हमारी जो गाड़ी सड़ रही है मारुति 800 है, अब जो भी है कम से कम चलेगी। तो दोस्तों अभी ये आ चुका है चौफटका चौराहा। ये है अंधी गली जगन्नाथ। हाँ नहीं, वो है अंधी गली और ये आपका हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। और ये सामने रास्ता जाता है आपका बमरौली एयरपोर्ट के लिए, प्रीतम नगर के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने आते हो तो कैसे क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश रहेगी भाई। लोग बड़ा परेशान होते हैं जो है लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए। चलो आओ दिखाते हैं। तो भैया अभी हम ट्रांसपोर्ट नगर पहुँच चुके हैं RTO ऑफिस के पास में। तो यहाँ पे यादव अंकल जी के ऑफिस में बैठे हैं और बहुत गर्मी है तो मट्ठा पिया जा रहा है। तो लाइसेंस वगैरह अगर आपको बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो है 4-व्हीलर 2-व्हीलर किसी भी प्रकार का जो काम हो, तो आप यादव अंकल से संपर्क कर सकते हैं। तो अपना आप नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 9919202648। जी, तो नंबर मैं सब टाइटल्स में लिख दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नाम ले लेंगे तो जो है आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है, 3-4 दिनों में लर्निंग मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे आके एग्जाम देना पड़ेगा और यादव अंकल जी ने काम करवा दिया है। तो आप लोग भी आओ, यादव अंकल से संपर्क करो, सारा काम आपका जो है एकदम 35 हो जाएगा। चलिए आपको थोड़ा सा RTO ऑफिस दिखाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। तो भैया एकदम गाड़ी का जो गद्दी गर्म हो चुकी है तो पानी डाल के पहले ठंडा किया जाए, बहुत तगड़ी वाली धूप है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 12:30। गाड़ी से रिलेटेड आपके कागजात वाले काम है सारे यहाँ पे होते हैं और मैं यहाँ पे फिलहाल आ चुका हूँ। मेरा 2-व्हीलर का जो लाइसेंस इस गाड़ी का बना है तो उसको बनवाने आया था। अभी क्या है कि मेरा 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों हो जाएगा तो अपन
कार वगैरह भी चला सकते हैं अगर किसी की मिल जाएगी तो। तो ये है भैया आपका आरटी ऑफिस, ये अगल बगल का थोड़ा सा जो है शॉप्स वगैरह आप देख सकते हो, और एक राउंड मार के आते हैं अंदर का। तो यहाँ पे सामने ये जो जगह है, यहीं पे मुझसे जो है बाइक चलवाई गई थी, यहाँ पे मैंने टेस्ट दिया था। और ये जो है फ्रंट गेट पे आप जैसे एंट्री करेंगे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो उसमें जो साइंस वगैरह उसका सारा डिटेल दिया हुआ है। और ये है आपका मेन आरटीओ ऑफिस के अंदर का नज़ारा, बहुत अच्छा व्यू है, आपको व्यू दिखाते हैं। दुनिया ब्लॉग बनाती है वाटरफॉल का, बनारस का, केदारनाथ का, हम ये सब तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ आरटीओ भी आ चुके हैं, तो आरटीओ का ब्लॉग भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये है कुछ आरटीओ ऑफिस का नज़ारा अंदर का, और हमारे साथ साक्षात आरटीओ घूम रहे हैं, मतलब इनके पिताजी आरटीओ में। बस यही है ऑफिस आपका, उधर काम वाम होता है। जब आप डीएल वगैरह बनवाने आते हो तो यहाँ फोटो खींचती है, आपको बैठा के इसी फोटो आपकी खींचेंगे ना कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो फिलहाल यही था आरटीओ ऑफिस। डीएल बनवाना हो ना तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर दिया उसे संपर्क कर लेना, सारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, यहाँ की आसपास की कोई फूड लोकेशन होगी तो वहाँ पे कुछ ठंडा पियेंगे। हमारे सत्यम भाई को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी इंस्टा आई डी बता दो, K Satyam 10। अगर यादव अंकल, अगर यादव अंकल से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप सत्यम भाई से इंस्टाग्राम पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे दिखाने बताने लायक इतनी ही चीजें थी, बाइक अपनी उधर है, बाइक उठाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। तो अभी हम लोग प्रीतम नगर की मार्केट जा रहे हैं, पीछे धूमनगंज थाने के बगल वाली रोड जो अंदर दुर्गा पूजा पार्क की तरफ जाती है उधर जा रहे हैं। ये वही है रोड दुर्गा पूजा पार्क वाली, कन्हैपुर मोड़ पे अभी हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं, श्री रौनक फ्रूट एंड जूस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे लस्सी पीने का मन कर रहा है, लस्सी पिया जाए, लस्सी भैया दो लस्सी कर दीजिए। इनका कुल्हड़ का साइज काफी बड़ा है, गर्मी भी बहुत है, लस्सी पीने का जो है एकदम बढ़िया बेस्ट टाइम है। बगल में शंघाई मोमोज भी मिल रहा था, तो अभी गर्मी में मोमोज क्या ही खाएंगे, तो कुल्हड़ पीते हैं और उसके बाद मोहब्बत की शरबत पिलाएंगे आपको, जो लास्ट टाइम धोखा दे दी थी। बढ़िया है, मजा आया, क्या बात है, चलिए हम भी ट्राई करते हैं। बहुत जबरदस्त है यार लस्सी को, क्या एक नंबर। एक तो सबसे बड़ी बात है बहुत सस्ती लस्सी है 30 रुपए की, और हैवी कुल्हड़ में यहाँ पे जो है बादाम मलाई लस्सी, और ये क्या डाले, और ये पिंक रूह अफजा है क्या, तो रूह अफजा डाल के दिया भैया ने, और काफी सही टेस्ट है, जो लस्सी का होना चाहिए खट्टापन एक नंबर। क्या इसके बाद चलो तुमको मोहब्बत का शरबत पिलाते हैं, मठा दी इस मोहब्बत की शरबत का। ये है लैकट लस्सी, कंटास करहीपुर मोड़ पे लैकट लस्सी, सक्का सत्यम बाइक। फिलहाल यहाँ पे जो है आपका रौनक फ्रूट एंड जूस कॉर्नर पे लस्सी पी के मजा आ गया, क्वांटिटी भी ज्यादा, प्राइस भी कम, कुल्हड़ हैवी एकदम, और टेस्ट भी अच्छा एक नंबर, मतलब राजा राम लस्सी के लेवल का है। आप लोग मेरी बात को यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच में ऐसा यार, टेस्ट एक नंबर होता है, मजा आ गया। ये हमारे अंचलेश भाई हैं जो कि प्रीतम नगर में रहते हैं। अभी एक हमारा अपकमिंग शो हो रहा है 5 जून को है, वो टैलेंट प्रयागराज टैलेंट वॉर है, और मई लास्ट में समर पूल पार्टी है, और इंडियाज नेक्स्ट सुपर मॉडल का सीजन 2 भी हो रहा है। तो गाइस जिसको भी रजिस्टर्ड वो करना है, सौरभ भाई से कॉन्टेक्ट वो करें। इवेंट वगैरह जितने भी प्रयागराज में होते रहते हैं सारा अपडेट मेरे प्रयागराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा, तो आप लोग फॉलो कर लो प्रयागराज ऑफिशियल को, और उसकी स्टोरी पे अपडेटेड रहना, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं सिविल लाइन्स बिग बाजार के पास में, मोहब्बत की शरबत पीते हैं। तो अभी हम लोग दोस्तों आ चुके हैं इस टाइम पे हाई कोर्ट के पास में, और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है। वैसे हमारी गाड़ी में भी हाई कोर्ट लिखा है, क्योंकि हमारे पिताजी भी हाई कोर्ट में ही हैं। तो हम लोगों ने घुसा दी है गाड़ी, लेकिन अच्छी खासी भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वकीलों की भीड़ है, और हमारे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो यह भैया आपका जो है सिविल लाइंस का चर्च, इसका नाम क्या है, कैथेड्रल क्या बोलते हैं, मतलब हमको पत्थर गिर जा अगर तो पता है, लेकिन एक और इसका नाम है, जिसको पता हो कमेंट्स में बताना। तो भैया ये है आपका अटलांटिस मल्टीप्लेक्स बिग बाज़ार, और बिग बाज़ार के जस्ट सामने यहाँ पर है इलाहाबादी मोहब्बत का शरबत, जो कि 30 रुपया गिलास है। तो चलिए आपको मोहब्बत की शरबत पिलाते हैं, दिखाते हैं कैसे बनता है। और ये जो भाई जो बैठते हैं यहाँ पर, इन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो देखते हैं कि पहचानते हैं कि नहीं। नमस्कार भैया, पहचाने, क्या हाल है। तो ये इनका है इलाहाबादी मोहब्बत का शरबत। तो भैया कैसे आइडिया आया मोहब्बत की शरबत को प्रयागराज में लाने का। बस ये है कि प्रयागराज वालों
की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं है। तो पिछले साल दिल्ली की वीडियो हमने देखी थी ना यूट्यूब पे, तो पिछले रमजान में ये आइडिया आया, तो उस समय हमारी स्टडी चल रही थी 12th की, तो ये पहले स्टडी कम्प्लीट किया जाए क्योंकि एग्जाम थे हमारे, फिर उसके बाद स्टडी के बाद फिर हमें सपोर्ट भी चाहिए था, तो इस साल हमें भाई का सपोर्ट मिला। सबसे अच्छी बात है कि आपने जो आइडिया लाया प्रयागराज में, ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हमने वीडियोस तो बड़ी देखी थी दिल्ली की, वो मोहब्बत की शरबत वाली, विशाल और सुमित दो दोस्त मिलकर लगाते हैं, भाई हैं दोस्त हैं, मतलब दोस्त हैं, भाई जैसे दोस्त हैं, भाई जैसे दोस्त। तो पढ़ाई के साथ साथ ये सारा काम भी कर रहे हैं, तो भैया बनाइए आज जो है मोहब्बत की शरबत, ट्राई करते हैं। ये रही मोहब्बत, तो मोहब्बत मिलाई जा चुकी है। एक दिन आए थे मोहब्बत की शरबत पीने, तो जो है धोखा दे दी थी, खुला ही नहीं था। क्या बात है, मोहब्बत की शरबत है, जिसको भी मोहब्बत में धोखा मिला हो यहाँ पर आ लो, मोहब्बत वापस मिल जाएगी। मंडे से नफरत भी शुरू हो रही है। अच्छा, नफरत की शरबत भी है, शरबत भी मंडे से रखे। वो ग्रीन कलर का शायद रहता है ना उसमें, वो एप्पल फ्लेवर होता है, कस्टर्ड एप्पल फ्लेवर रहता है। तो जिनका मतलब ब्रेकअप हुआ उनके लिए नफरत की शरबत, हाँ। जिनका मतलब अभी पैचअप हुआ है उनके लिए मोहब्बत की शरबत। और ये देखिए इसमें जो है वाटरमेलन एकदम जो है काट कुट के डाल दिया है। क्या बात है, तुमको नफरत की चाहिए कि मोहब्बत की चाहिए? अभी रिवील नहीं कर सकते कि मोहब्बत की पिए कि नफरत की, फिलहाल मोहब्बत की अवेलेबल है। भाइयों की मोहब्बत तो है ना, बस भाइयों की मोहब्बत के लिए पी डाल। स्ट्रॉ निकाल दो, इसे पिया जाएगा। हम लोग देसी आदमी, स्ट्रॉ स्ट्रॉ वाला कोई काम नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपने गर्मी के टाइम में स्टार्ट किया है, तो गर्मी के टाइम में ये काफी रिफ्रेशिंग चीज है, पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेश कर देता है। वास्तव में मोहब्बत की शरबत का नाम ये है कि आपको ये पीने के बाद इससे मोहब्बत हो जाएगी, इसका आपके जो है पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई सत्यम कैसा लगा मोहब्बत की शरबत? मजा आ गया। तो 30 रुपए गिलास, हाँ। तो मोहब्बत की शरबत का कॉन्सेप्ट तो आ ही चुका है, नफरत की शरबत भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, और बाकी बिग बाजार के सामने आकर पीने का, हमारा नाम लेने का, तो और बढ़िया से पिलाएगा भाई। क्या तो दोपहर के टाइम पे कहाँ लगाते हो? यहाँ पे दोपहर के टाइम पे हमारी शॉप यहाँ लगती है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक शॉप यहाँ रहती है। तो शाम के टाइम हमारी शॉप बिग बाजार के बगल में केंद्रीय सदन है, केंद्रीय सदन के ठीक सामने लगती है। तो 5 बजे के बाद शाम को वहाँ लगाते हैं ना, वो जो शिकंजी वाली शॉप है उसके जस्ट बगल में। तो कुल मिला के बिग बाजार के पास जब भी आप आओगे, सुबह कितने बजे लगाते हो? सुबह 10 बजे से शाम को हम लोग 9:30 बजे तक रहते हैं। सुबह 10 से शाम को 9:30 बजे तक रहता है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, खत्म वतम नहीं होगा, जिस भी टाइम आओगे मिल जाएगा ना। और किसी दिन बंद भी रहता है कि शनिवार क्लोज रहता है? शनिवार क्लोज रहता है। तो बाकी आपको टाइमिंग बता दी है, लोकेशन बता दी। प्रयागराज की जनता को कुछ कहना चाहोगे? बस प्रयागराज की जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमारी शॉप पे आइए, हमारी शॉप पे आपको मोहब्बत की कमी नहीं मिलेगी। हाँ, आप हमें मोहब्बत दीजिए, हम आपको मोहब्बत दें, क्योंकि मोहब्बत से ही दुनिया कायम है। हार्ट तेरी ऐसी तैसी, क्या हार्ट तेरी। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बताना वीडियो कैसी लगी। आज हम लोग गए थे RTO ऑफिस, जहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस 4-व्हीलर का बनवाने के लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाया, तो 3-4 दिनों में मेरा लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा 4-व्हीलर का। और इसके बाद हम लोग गए थे पास में स्थित प्रीतम नगर में, एक जगह पड़ती है कन्हैयापुर मोड़, जहाँ पर DK पंडा दूसरी राधा एक टाइम पर जो फेमस हुए थे उनका घर है, उसी के सामने लस्सी पिलाता है, काफ़ी मस्त हैवी लस्सी, 30 रुपये में बड़े से कुल्लड़ में दिया था, तो काफ़ी टेस्टी लगा था। तो आप लोग भी अगर उधर जाना तो ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद हम लोग मोहब्बत की शरबत ट्राई करने गए थे, जो कि बिग बाज़ार के सामने लगाता है। तो हाँ, ये कुछ सारी लोकेशंस आज हमने कवर करी। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें ट्राई करना तो कमेंट्स बताना कैसी लगी मेरी रिकमेंडेशन। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, और धमाकेदार और कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग रखेंगे अपने प्रयागराज का। तो चलो फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, बाय।